ଚାଲୁଛୁ। सर ये पूछ रहा था मैं, इसमें रीजनल लेना प्रॉफिट है या एक्चुअली मेरा है तो गाजियाबाद में ही, तो मुझे बताइए सजेस्ट कीजिए क्या है, और इसका थोड़ा सा मुझे ऑनलाइन का एफिलिएशन का बता दीजिए। आपके पास रीजन कौन कौन से प्रोस्पेक्ट? मैम ने बताया लखनऊ है और कोई एक दो मतलब वाराणसी वगैरह के बैंक है। और रीजन के लिए आपके पास नेटवर्क कहाँ कहाँ पर है? ये तो सर नेटवर्क जो मेरा है वो है तो दिल्ली NCR में, आस पास में। दिल्ली NCR के लिए ना आपको दिल्ली प्रॉपर तो खाली है ही नहीं अभी, दिल्ली तो अपॉइंटेड है ऑलरेडी। ठीक है। और यूपी में आपको गाजियाबाद वाला जो रीजन है जो वेस्टर्न यूपी बोला जाता है, इसके बारे में कन्फर्म होगा 30 May तक, क्योंकि ये ऑलरेडी अपॉइंटेड है। ओके। परफॉर्मेंस प्रॉपर नहीं आने की वजह से अभी इसको एक लेटर इशू रखा है। ओके। हो सकता है वो अगले 10 दिनों में कुछ बेटर परफॉर्मेंस देकर के उसे कवर कर ले, अदरवाइज नहीं हो सकता। तो इसका अपना पॉलिसी जो है वो एक रीजन में एक ही प्रॉब्लम। हाँ, वो पॉलिसी के अंदर वो एक तो है सर, परफॉर्मेंस किस हिसाब से बेसिस पर देखी जाएगी वो आप मुझे बताएं। परफॉर्मेंस है कि आपका नेटवर्क के अकॉर्डिंग आपने वहाँ पर सेंटर्स खोलने के लिए। ओके, सेंटर्स ओपन करने के किसी भी एक रीजन में 10 से 12 डिस्ट्रिक्ट होते हैं और उन 10-12 डिस्ट्रिक्ट में मिनिमम 15 से 20 सेंटर्स एक बंदा एक महीने में खोल देगा। हाँ, ये हमारी एक्सपेक्टेशंस हैं और कर भी रहे लोग इसमें। और एडमिशंस का क्या रहता है सर? एडमिशन में कोई टारगेट नहीं होता हमारे आरसी पर, उसके पास केवल एक ही टारगेट होता है, वो होता है रीजनल कोऑर्डिनेट, वो सॉरी एकेडमिक सेंटर्स का। अकेडमी सेंटर्स अगर उसने सपोज 20 खोल दिए तो कोई भी अकेडमी सेंटर 150 एडमिशन तो देगा ही देगा। तो अकेडमी सेंटर कितने का होता है सर, क्या प्राइसिंग होती है? अभी तक केवल 25,000 है, लेकिन आफ्टर 31 May ये 50,000 होने जा रहा है। अच्छा सर, इसके लिए पॉलिसी वगैरह क्या होती है खोलने के लिए? आपके पास एक सोसाइटी होना चाहिए सर, और सोसाइटी का एक लेटर आपके फेवर में होना चाहिए कि आपको अपॉइंट कर रही है सोसाइटी। ठीक है। सोसाइटी के डॉक्यूमेंट्स होंगे, और रीजनल कोऑर्डिनेटर की अगर हम बात कर रहे हैं तो 5 लाख रुपीज बिफोर 30 है, और आपका क्योंकि टर्न ही 30 के बाद आएगा, 30 के बाद ये भी इंक्रीज होने जा रहा है, ये 8 लाख होने जा रहा है। 5 लाख से 8 लाख कितने वो हो गए होंगे? मोस्टली हो गए हैं, बहुत ही कम सारे हो गए हैं जैसे तो कवर नहीं हुए हैं अभी तक, जैसे मैम ने बताया बस। हाँ, नहीं गुजरात में कुछ एक तो रीजंस हैं, एमपी में कुछ एक रीजंस, बिहार वगैरह, बिहार में भी रीजन हाफ फ्री में, मतलब रीजन डिस्ट्रीब्यूट हो गए। वैसे तो बिहार में ऑलरेडी है रीजन डिवाइड के नहीं है, मतलब पूरे स्टेट का आप नहीं दे रहे हैं, रीजन वाइज दे रहे हैं। ओके, सिटी वाइज मान के चलिए। सिटी नहीं है, लगभग 10 से 12 डिस्ट्रिक्ट होते हैं एक रीजन में, एक रीजन में 10 से 12 डिस्ट्रिक्ट होते हैं। तो मैं आपसे वही सजेशन पूछ रहा हूँ सर, कौन सा वाला लेना बेस्ट रहेगा? ये डिपेंड करेगा कि आपका नेटवर्क कहाँ है, क्योंकि आपने 5-7 लाख रुपए लगा देना है, उसके बाद आपको रेस्पॉन्स भी तो चाहिए ना, रेस्पॉन्स वहाँ से आएगा जहाँ पर आपका नेटवर्क होगा। मैंने बोल दिया कि आप गाजियाबाद ले लो, आपका जो नेटवर्क है वो सारा का सारा हरियाणा में, मेरे बोलने से क्या होगा इसमें? तो आपको देखना पड़ेगा कि आपका नेटवर्क और उसके जो पैसे आएंगे जो ट्रांसफर होगा जो मैं डालूंगा उसके हिसाब से होगा या एरिया के अकॉर्डिंग जाएगा? जैसे मैंने हरियाणा का कोई सेंटर दे दिया तो वो हरियाणा के उसमें अकाउंट हो जाएगा या मेरे में अकाउंट होगा? बिल्कुल, आपका अपना अगर आरसी आप नहीं है, अगर आप रीजनल कोऑर्डिनेटर नहीं है तो आपको अकेडमी सेंटर खुलवाने की अथॉरिटी नहीं है, फिर जहां भी आप खुलवाओगे वो तो फिर कहीं। अच्छा, इसमें सर मेरे को थोड़ा सा प्रपोजल टाइप मिल जाएगा, कहाँ कहाँ से एफिलिएशन है, क्या क्या मेरे को दिखाना पड़ेगा, कैसे बताना पड़ेगा, काउंसलिंग टाइप? हाँ बिल्कुल, आपके पास ये जो बुक है अभी। हाँ, ये एक मेरे पास प्रोस्पेक्ट है, मैम ने बताया कि NIUS की तरह ही आ रही है। बिल्कुल, NIUS की पैटर्न तो है, अभी थोड़ा सा ये जो है कि NIUS पर क्योंकि 20 ईयर्स मोर देन 20 ईयर्स RIS पे फर्स्ट सेशन है। ओके, तो इसमें थोड़ा टाइम तो लगेगा। और इसमें स्टूडेंट का सर एग्जाम वगैरह का कैसे रहेगा? एग्जाम्स ये सेशन का एग्जाम्स तो आपको मिल ही नहीं पाएगा लगभग, अभी एडमिशन नहीं जा रहे हैं।
नहीं एडमिशन आप इतना कम टाइम बचेगा आपके पास अगर आप यूपी को लेके प्लान कर रहे हो। नहीं मैं तो एडमिशन डालने की प्लान कर रहा हूँ, जैसे डायरेक्ट एडमिशन तो डाल ही नहीं पाएंगे, फिर आपको एक फटाफट कोई सेंटर ले लेना चाहिए छोटा सा कहीं। अच्छा, उस सेंटर पर आप एडमिशन डाल सकते हैं, आरसी जब खाली होगा तब ले लेना। अच्छा अच्छा, अभी आप सबसे पहले गाजियाबाद में अपना एक अकेडमी सेंटर करा दीजिए। अकेडमी सेंटर अभी आज की डेट में कराएंगे तो सर मेरे को मेरठ जाना तो बहुत दूर हो जाए, मेरठ तो मैं जा नहीं सकता। जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, गाजियाबाद में आरसी दिल्ली में करा लो, दिल्ली का आरसी के अंडर में ले लो, आप गाजियाबाद से ले लो, अपने लिए कोई मैटर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से लेनी पड़ेगी या उनके पास से ले सकते हैं? यहाँ से ले सकते हैं। डीडी किस नाम से आएगा सर? रूरल इंस्टीट्यूट ऑफ, इसी नाम से आएगा डीडी। ठीक है सर, मेरे को एक बार ऑनलाइन एफिलिएशन वगैरह एक बार दिखा दीजिए, मैं बच्चे को दिखा दूँ एक बार कि यहाँ से होगा और साइट ये होगी सारी चीज़ें। साइट इस पे लिखी है या साइट तो लिखी है सर, लेकिन वो एचआरडी की साइट पे मैंने ये देखा नहीं है। एचआरडी की साइट पे भी नहीं दिखेगा। फिर कब तक आ जाएगा, कहाँ दिखेगा? साइट पर आपको काउंसिल ऑफ बोर्ड्स ऑफ स्कूल एजुकेशन मिलेगी। हाँ हाँ, कोप्स जिसे बोलते हैं। ओके, कोप्स की साइट पर आपको आरआईएस मिलेगा। कोप्स की साइट पर, कोप्स क्या सर? कोप्स है काउंसिल ऑफ बोर्ड्स ऑफ स्कूल एजुकेशन, जो एचआरडी की साइट है स्कूलिंग को गवर्न करने वाली। अच्छा अच्छा, तो कोप्स की साइट पे, कोप्स की साइट पे आपको अवेलेबल होगा। और 5 लाख में सर कुछ डिस्काउंट होगा इसमें? कोई डिस्काउंट नहीं, वन टाइम या इंस्टॉलमेंट है? वन टाइम में तो एडजस्ट कर सकते हैं आपको, वन टाइम टू टाइम तो एडजस्ट हो जाएगा। मेरे को एक लिस्ट मिल जाएगी कहाँ कहाँ का, मतलब वो नहीं है सेंटर्स अब आपके नहीं है, आप कहाँ कहाँ इंटरेस्टेड है? मैं आपको सर, मैं तो यूपी में ही जाऊँगा, ज़्यादा दूर तो मैं जाऊँगा नहीं, 30 तक वेट करना पड़ेगा, 30 तक वेट करना पड़ेगा। बाकी कहीं और सर दूर हो जाएगा दिल्ली से, फिर आप नहीं करें कोशिश भी मत करें, आप यूपी के लिए वेट करें, यूपी में कोई ना कोई रीजन जरूर खाली हो जाएगा 30 तक। चलो मैं अपना नंबर टॉप कर लेता हूँ जैसे कोई होता है, और वो आप एप्लीकेशन डाल के रखें उससे हो जाएगा। दूसरे अगर आप स्टूडेंट को इस सेशन में बैठाना चाहते हैं, स्टूडेंट है मेरे पास लगभग 20-25 स्टूडेंट हैं, तो आपको बस एक एकेडमी सेंटर जरूर ले लेना चाहिए, चाहे वो दिल्ली के अंडर मिले चाहे यूपी के अंडर मिले, आप एक एकेडमी सेंटर ले लें। एक्चुअली क्या है कि थ्रू आउट द इंडिया जो लोग आरसी अपने बनाना चाहते हैं या जिन एरियाज में अभी आरसी वर्किंग में नहीं है उन एरियाज में जो एकेडमी सेंटर खुलते हैं उन्हें यहाँ दिल्ली से सीधे सीधे एक्टिवेट किया जाता है। अच्छा, तो आप दिल्ली से अपना एक्टिवेट करा लेंगे। ठीक है, उसके बाद आप यूपी में कहीं भी कोई सेंटर लेते हैं तो उसको उधर स्विच कर सकते हैं, वो आपके अंडर में आ सकता है। नहीं आएगा तो भी ऐसी कोई बड़ी बात नहीं, एक सेंटर आपसे बाहर चलता रहेगा। ठीक है, वो तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, बाद में ले लेंगे उसको। आपके स्टूडेंट इस बार मर जाएंगे, स्टूडेंट है जाएंगे ना, स्टूडेंट है मेरे पास। अच्छा, इसकी जो फीस है वो जो आरसी के लिए जो वो है वही सेम जो बैक मिलेगा वो 30% का दोनों में सेम ही है ना? अगर आप एकेडमी सेंटर खोलने जा रहे हैं तो आपको कोई डिस्काउंट इसकी पर नहीं मिलेगा, 4800 पूरे देने पड़ेंगे। हाँ, एकेडमी सेंटर को तो पूरा ही पे करना है, लेकिन आप आरसी बन जाते हैं जब तब आप एकेडमी सेंटर से जो पेमेंट आरसी को करेंगे आरसी उसमें से 30% अपने पास रखेगा। ओके, ये है, अभी पूरे पेमेंट देनी पड़ेगी आप, क्योंकि आपको अभी एकेडमी सेंटर खोल रहा है ना। ओके, बाकी गवर्नमेंट जॉब वगैरह में तो चल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, बस यही चीज़ कंफर्म करनी थी। ठीक है सर, थैंक यू, थैंक यू।